हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका मोबाइल हैंग करता है, यदि आपका नया मोबाइल है या पुराना मोबाइल है कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपका मोबाइल हैंग करता है तो आप अपने मोबाइल को कैसे ठीक करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने मोबाइल में अप्लाई करते हैं तो आपका मोबाइल जिंदगी भर हैंग नहीं होगा। चाहे आप कितना भी इंटरनेट यूज करो या फिर आप कितना भी गेम खेलो, आपका मोबाइल जिंदगी भर हैंग नहीं होगा। मैं आपको ऐसी कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनको आप तुरंत ही अपने मोबाइल में अप्लाई कर देना, जिससे कि आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा। आप चाहे कितना भी मोबाइल को यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सी सेटिंग्स है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रही वीडियो को लास्ट तक। एंड अगर चैनल पर नए हो तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, उनको आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर देना जिससे कि आपका मोबाइल जिंदगी भर हैंग ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने मोबाइल में अप्लाई करते हैं तो आपका मोबाइल जिंदगी भर हैंग नहीं होगा। मैं ऐसी सेटिंग्स लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझ लेना, और उसके बाद ही आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स को अप्लाई करना जिससे कि आपका मोबाइल जिंदगी भर हैंग नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है, और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग्स ओपन कर ली है, ठीक है। और सेटिंग्स में आने पर जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सेटिंग्स के होम पेज पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है ऐसे, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सिस्टम, तो सिंपली आपको उसी पर एक बार क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा सिस्टम अपडेट, तो सिंपली आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे ऑनलाइन अपडेट और ये नीचे लोकल अपडेट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये देखना है मोबाइल ब्रांड की तरफ से मोबाइल में अपडेट डाले जाते हैं, अगर उन अपडेट को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करते हैं उससे भी हमारा मोबाइल हैंग करने लगता है। अगर हम नए अपडेट्स अपने मोबाइल में तुरंत ही इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, ये भी मोबाइल हैंगिंग का बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन अपडेट, ठीक है। ऑनलाइन अपडेट पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन अपडेट पर ये पूछेगा कि डाटा हम यूज कर सकते हैं या नहीं, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा होगा चेक फॉर अपडेट, तो सिंपली आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। और इसी पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये अभी पेन ये सर्च हो रहा है, यानी ये अपडेट आया होगा तो तुरंत ही आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं ये अभी प्रोसेसिंग है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में अभी कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल रिसेंट में अपडेट किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से मेरा अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट कर लेंगे तो आपका मोबाइल एकदम फास्ट और स्मूथ चलेगा, वो भी बिना किसी हैंगिंग के, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँ, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हैंगिंग में प्ले स्टोर का क्या रोल है, तो भाई प्ले स्टोर का ही बहुत बड़ा रोल है। तो सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, अपनी प्रोफाइल पर आपको एक बार क्लिक करना है। और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है मैनेज एप्स और डिवाइस, सिंपली आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ये रैम रोम वगैरह दिखाएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट्स अवेलेबल, ये आपको दिखाई दे रहा है अपडेट्स अवेलेबल, तो सिंपली आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है। और जैसे आप इसी पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एप्स 19, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा एप्स 19 अपडेट अवेलेबल, यानी 19 एप्लीकेशंस में अपडेट अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि अगर ऐसे हमारे एप्लीकेशंस में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और अगर हम अपने मोबाइल की अगर एप्लीकेशंस को अपडेट नहीं करेंगे तो इससे भी आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। मोबाइल हैंगिंग में एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आपके एप्लीकेशन अपडेट होंगे तो मोबाइल हैंग नहीं होगा, ठीक है। 99% चांस कम हो जाती है मोबाइल हैंग होने के, इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन की वजह से।
सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको ये आपके मोबाइल में भी इसी प्रकार से ऐप्स अवेलेबल होंगे अपडेट के लिए, तभी आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपडेट ऑल पर क्लिक कर देना है, अपडेट ऑल, तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन अपडेट के लिए अवेलेबल होंगे वो सारे एप्लीकेशन अपडेट होने लग जाएंगे। तो अपडेट होने से क्या है कि आपके मोबाइल में सारे एप्लीकेशन नए हो जाएंगे जिनको आप यूज करते हैं, तो उससे क्या है कि आपके मोबाइल से मोबाइल हैंग होने का 99% खतरा कम हो जाएगा। मोबाइल हैंगिंग यहीं से होता है। इसी प्रकार से आपको बस ये दो सेटिंग्स ही अपने मोबाइल में करनी है, इनको आप अगर चेक कर लेते हैं ध्यान से, और ये सेटिंग्स आपको मंथ में एक बार जरूर करनी चाहिए, इससे कि आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो